सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं सुरखियां ते। खेती कानूनों खिलाफ किसान अंदोलन लगातार जारी, दिल्ली दीआं सरहदां उत्ते डटे हुए ने किसान। देश भर में संयुक्त किसान मोर्चे वालों बैंक के निजीकरण खिलाफ बैंकों की हड़ताल की हिमायत, पंजाब भर च किए गए रोस प्रदर्शन। दिल्ली की एक अदालत ने सुनाया वड्डा फैसला, पुलिस इंस्पैक्टर मोहन चंद शर्मा के कातल और 2008 के बटला हाउस मुकाबले नाल जुड़े होर मामले में आरजी खान नूं सुनाई मौत की सजा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खेती कानूनों खिलाफ किसान अंदोलन लगातार जारी, इसे तहत किसान दिल्ली दे बुरहां उत्ते डटे हुए ने। किसानां वल्लों चोणां वाले सूबिआं च वी केंद्र सरकार खिलाफ अपने पद्धर ते प्रचार किया जा रहा है ते लोकां नूं अपील की जा रही है कि वह बीजेपी नूं वोट ना देण। देश भर में संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों बैंकां दे निजीकरण खिलाफ हड़ताल की हिमायत की जा रही है। इस दे नाल ही देश दीआं मुलाजम जथेबंदियां नाल मिल के घोल दा दायरा वधाउंदे रेलवे मुलाजम यूनियन दे सद्दे उत्ते अज निजीकरण ते महंगाई विरोधी दिवस मनाया गया। किसान आगू बूटा सिंह शादीपुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाँ उत्ते SDM जिथे डिप्टी कमिश्नर ट्रेड यूनियन और किसान जथेबंदियों वालों मंग पत्र सौंपे जा रहे हैं। इन्हां विच खेती कानून रद्द करन, पेट्रोल डीजल ते रसोई गैस की कीमत घटाने की मांग की जा रही है। उधर रियासती शहर नाभा च भाजपा आगू योगेश खत्री के घर के बाहर 154 दिन भी लगातार रोस प्रदर्शन किया गया, जिस विच औरतां नौजवानों ते बच्चों ने वड्डी गिणती में शमूलियत की। अते किसान आगुआं वल्लों ब्लाक प्रधान हरमेल सिंह तुंगा की अगवाई में देश के प्रधानमंत्री के नाम पत्र SHO इंस्पैक्टर जगदेव सिंह नूं दिता गया। इस मौके किसानों ने कहा कि जो तक केंद्र की मोदी सरकार खेती कानून वापस नहीं लेंदी तद तक उन्हां दा संघर्ष जारी रहेगा। कौमी बैंकों प्राइवेट बैंकों में मर्ज करन दे केंद्र सरकार के फैसले खिलाफ चंडीगढ़ में भी सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने मुकम्मल हड़ताल रखी। इस मौके सैक्टर 17 बैंक स्क्वेयर में एक रोस रैली की गई, जिसनों संबोधन करद मुलाजम आगुओं ने कहा कि केंद्र सरकार निजीकरण वल उलार हो गई है, जिस तो साफ है कि केंद्र सरकार कारपोरेट घराणा के हाथों में खेड रही है। केंद्र सरकार वालों बैंकों के निजीकरण करने के विरोध में बैंक मुलाजमान की दो दिन हड़ताल का अज पहला दिन से बैंक मुलाजमान ने निजीकरण के विरोध में नारेबाजी करके रोस प्रगटाया। बैंक बंद होने कारण आम लोगों को काफ़ी दिक्कत झलनी पई। गुरदासपुर बैंकों से लैण देन करने आए लोग खज्जल होंदे वेखे गए। लोगों ने कहा कि हड़ताल किसी मसले का हल नहीं, हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार को बैंक मुलाजमान की गल सुननी चाहिए है। बजट सैशन के दूजे पड़ाव दौरान राज्यसभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ने किसानी मुद्दे उत्ते अपने विचार सदन च रखे। राज्यसभा में प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाबी भाषण दिता। बाजवा ने पंजाबी बोलदे कहा कि कोविड-19 महामारी समय लगी तालाबंदी कारण सारे सूबे की वित्तीय हालत बहुत कमजोर हो गई। बाजवा ने कहा कि मैं सरकार का विशेष ध्यान इस गल से लेकर आना चाहता कि जो 3 खेती कानून खिलाफ अंदोलन शुरू होया, पंजाब ते हरियाणा के किसान जिहड़े अगे लग के केंद्र सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं, उदों तो भारत सरकार का रवैया खास करके पंजाब सूबे प्रति एक मतरेई मां वर्गा हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा उत्ते दोष लाया कि वह लोकसभा च एक नवा बिल लिया के उन्हां दी चुनी हुई सरकार दीआं शक्तियां नूं घट करना चाहुंदी है। केजरीवाल ने भी कहा कि बिल संविधान के बैंच के फैसले के उल्टा है। राष्ट्रीय राजधानी खेत्र दिल्ली सोध बिल 2021 सोमवार को संसद के हेठले सदन च पेश किया जाएगा। इस बिल च दिल्ली के उपराज्यपाल LG नूं वध शक्तियां देने का प्रबंध रखा गया है। दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस इंस्पैक्टर मोहन चंद शर्मा के कातल और 2008 के बटला हाउस मुकाबले नाल जुड़े होर मामलों में आरजी खान नूं मौत की सज़ा सुनाई है। वधीक सैशन जज संदीप यादव ने सज़ा सुनाई है। साकेत अदालत ने इसनों रेयर अरेस्ट ऑफ रेयर केस मनिया। पुलिस ने अतवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन कथित तौर पर जुड़े आरजी खान नूं मौत की सज़ा की बेनती की। पुलिस ने कहा कि ना सिर्फ कतल का केस है बल्कि इंसाफ की रक्षा करने वाले एक कानून लागू करने वाले अधिकारी की हत्या का केस है। आरजी खान के वकील ने मौत की सज़ा का विरोध किया। अदालत ने 8 मार्च को बटला हाउस मुकाबले दौरान 2008 के कतल और होर जुर्मों लई मुख मुलजम दोषी ठहराया। तरन तारण जिले के हलका खेमकरन के कस्बा अमरकोट च श्रोमणी अकाली दल वालों पंजाब मंग का जवाब रैली की गई। इस रैली च श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों वड्डा ऐलान किया गया। उन्होंने 2022 होने जा रही पंजाब विधानसभा चोणों लैके खेमकरन हलके तो विरसा सिंह बलटोहा उम्मीदवार ऐलान दिता है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि वह चोणों लिए अपनी पार्टी के तीजे उम्मीदवार का ऐलान अगली रैली करेंगे। रैली पंजाब मंग का जवाब च हज़ारों के इकट्ठ संबोधन करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अकाली दल की सरकार के समय पंजाब का विकास होया सी।
कैप्टन अमरिंदर सिंह उत्ते वरदे हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के लोगों की भावनावां नाल खिलवाड़ किया है। उन्हें कहा कि कैप्टन ने लोगों को नौकरी देने का वादा किया जो अजे तक पूरा नहीं होया। लोगों को संबोधन करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने इलाके लोगों धड़ेबंदी छड़न की अपील की है। उधर आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के प्रधान भगवंत मान ने चंडीगढ़ प्रैस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि मोगा के बाघा पुराना 21 मार्च में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल वालों रैली की जाएगी, जिस दौरान वो किसान के हक में आवाज़ बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान अंदोलन लगातार पूरे देश फैल रहा है। मीडिया का एक हिस्सा जिहड़ा सरकार को समर्थन करता है सेंटर सरकार वो इस तरह दीयां गलतफहमियां फैला रहे हैं कि शायद किसान अंदोलन हुण फेल हो गया, पर यह उन्हां दी गलतफहमी है। असीं यह कहना चाहते हैं कि किसान अंदोलन फेल नहीं होया, किसान अंदोलन फैल गया। पहला सिर्फ पंजाब दे विच ते हरियाणे दे विच सी, फिर दिल्ली के बार्डर तक सी, यूपी के बार्डर, दिल्ली का बार्डर, हरियाणे का बार्डर, हुण वह राजस्थान च बहुत सारिया बड़िया बड़िया महापंचायत हो रही किसानों के हक च, हरियाणे च घट हो रहे हैं। बाघा पुराणा के 21 मार्च में किसान महासम्मेलन कर जा रहे हैं, लखां की गिणती दे विच लोग उत्थे बाघा पुराणा विखे पहुँचणगे। अरविंद केजरीवाल जिहड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री ते साडी पार्टी के नैशनल कन्वीनर ने, वो विशेष तौर पर उत्थे पहुँच रहे हैं। उन्होंने पहुँचने के दो वड्डे फायदे हो जाते हैं, एक तो सारा मीडिया जिहड़ा वो नाल आउंदा उन्हां दे और उन्होंने प्रमुखता नाल दिखाया जाता है, तो दूजा जदों भी अरविंद केजरीवाल कुछ बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी जरूर सुनते, होर किसी को सुन ना सुन वो अरविंद केजरीवाल जरूर सुनते, क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल ही ऐसा व्यक्ति है जिन्हें 3 बारी मोदी नू दिल्ली दे विच हराया होया। पंजाब विच कोरोना का कहर मुड़ तो वधण लग्या, सूबा सरकार वालों कोरोना के टाकरे लिए रणनीति बनाई जा रही है। मुख्य सकत्तर पंजाब श्रीमती विनी महाजन ने सूबे में COVID-19 के मामले में मौजूदा वाधे नाल जिठण लई चुके गए हंगामी कदमों का जायजा लैण लई डिप्टी कमिश्नर, पुलिस मुखी, म्यूनसिपल कमिश्नर, सिविल सर्जन ते होर अधिकारियों नाल बैठक की। उधर जलंधर जिले के सारे सरकारी ते प्राइवेट हस्पतालों COVID-19 वैक्सीन की समर्था रोजाना 6000 तक वधा दी गई है। जिला नोडल अफसर TP सिंह ने कहा कि कोरोना के केस मुड़ बढ़ रहे हैं, लिहाजा लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए है। उन्हें कहा कि वैक्सीनेशन का काम जंगी पद्धर उत्ते जारी है। उन्हें भी कहा कि COVID-19 वैक्सीन मुहिम को सफल बनाने लई वध तो वध लोग लाभपात्री वैक्सीन लगवाने लई अगे आउण। पटियाला की ADC प्रीति यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पहला उनके परिवार में पॉजिटिव केस होने उत्ते संपर्क में होने कारण प्रीति यादव का सैंपल लिया गया सी, उत्थे हुण उन्हां दी संपर्क ट्रेसिंग जारी है। दस दिए कि प्रीति यादव को अजे वैक्सीन की एक डोज लगी सी। सिविल सर्जन ने कहा कि वैक्सीनेशन नाल इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह किसी होर पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने नाल कोविड पॉजिटिव आई है। कोटकपुरा बैवल कलां गोलीकांड नाल जुड़े मामले उत्ते बनी SIT के मैंबर कुंवर विजय प्रताप ने फरीदकोट च प्रैस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि दोवें मामलों जांच मुकम्मल हो चुकी है, 9 चलान हुण तक पेश किए जा चुके हैं ते हुण सिर्फ 1 चलान पेश करना बाकी है। उन्हें कहा कि मुलजमान तो पूछगिछ की गई है। उन्हें कहा कि 12 अक्टूबर 2018 में मामले की तफ्तीश उन्होंने शुरू की सी, जबकि कुछ मुलजमान 11 अक्टूबर में ब्लैंकेट बेल मिल गई सी। कोटकपुरा गोलीकांड ते बहबल कला गोलीकांड इस दी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, 9 चलान अदालत दे विच पुट इनटू कोर्ट हो चुके हैं, 1 चलान देना रहिंदा है लेकिन तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। छोटा छोटा कोई कोई चीज़ रह गया है वो तो चलता रहेगा, लेकिन जो जिम्मेवारी मैनू दिती गई सी मैं वो जिम्मेवारी पूरी कर दी, अदालत दे विच सारा कुछ मैं दे दिता हूँ, तो जो कुछ देना है वो तफ्तीश भी मुकम्मल हो गई है, वो छेती दे दिता जाऊगा। लेकिन तफ्तीश का जरा मेन मतलब काम सीगा तफ्तीश का, वो तफ्तीश मुकम्मल हो गई। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहबजादों के नाम उत्ते पटना साहब के बने 4 पिंडों का दौरा करने तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब कमेटी के जनरल सकत्तर महेंद्रपाल सिंह ढिल्लों की अगवाई में एक वफद ने 4 पिंडों का दौरा किया, जिस दौरान इन्होंने पिंड के वसनीकों वालों उन्होंने भरमा स्वागत किया गया। इस मौके खालसा घाट उत्ते रखे गए सादे समागम में बोलदे महेंद्रपाल सिंह ढिल्लों ने कहा कि बाबा जोरावर सिंह के पिंड च संगत ने पटना साहब कमेटी थां भी मुहैया करवाई है, जिथे गुरद्वारा साहब बनाया जाएगा। इतने अपने तख्त साहब के नेड़े ही एक गंगा दे पार खालसा घाट आ,
तो चार साहबजादियां दे नाम उन्होंने नौं दे नौं दे पिंड हैगे आ उही जानकारी सानूं कुछ दिन पहला मिली सी तो अज वो प्रोग्राम बनाया गया सीगा कि असीं जाके देख के आईए तो अज असीं गए हाँ साडी टीम पूरी गई आ वाकई देखने वाली सी उत्थे दे बंदे ने सैकड़ों दे विच बंदे ने साडा उत्थे स्वागत किया बड़े खुश सी कि बंदे उत्थे कि असीं पहुँचे हाँ तो सारे वो तैयार बैठे आ कि जो वो हेल्प पहुँचाने या पकड़ना चाहते हैं वो तैयार बैठे आ उन्होंने बहुत चंगा लग्या तो वो बाद असी आए हाँ बाबा जोरावर सिंह नौ का पिंड वाए इतों इतने आए हाँ इतने ही भी संगत ने साड़ा बहुत स्वागत किया वा इतने है नहीं गा इतने इन्होंने सानू जगह दिती है इन्होंने अनाउंस करता वा किसी जिनी जगह चाहिए तुम लै लो जो मर्जी तुम चाहते इतने बना लो संगत थोड़े सामने देखे ही आ बहुत बागो बाग खुश रह गए आ समाज विरोधी अंसर के नशे खिलाफ़ चलाई गई विशेष मुहिम तहत रायकोट सदर पुलिस थाने अधीन पेंदी चौंकी लोहटबद्दी की पुलिस वालों पिंड लोहटबद्दी ही एक व्यक्ति वालों डोडिया की खेती करने का पर्दाफाश किया गया इस संबंध में चौंकी इंचार्ज एसआई की अगवाई हेठ छापेमारी दौरान पार्टी वालों पाल सिंह और फराजू वासी लोहटबद्दी वालों अपने घर के विहड़े उगाए पोस्ट के 608 के करीब पौधे बरामद किए गए हैं पुलिस वालों मुलजम खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन चेन्नई तुसी बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी के नाल धन्यवाद।